दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे जैक F4 सिलाई मशीन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग। दोस्तों, जब हमारी सिलाई मशीन कुछ पुरानी हो जाती है तो इसमें दोस्तों शटल के पास से एक आवाज़ आने लगती है। तो दोस्तों, वही हम आपको बताएंगे कि आवाज़ क्यों आती है या धागा क्यों काटने लगती है मशीन। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे जो प्लेट होती है, इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर जो छोटी प्लेट है इसके दोनों बोल्ट को निकाल कर प्लेट को निकाल लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको शटल दिखाई दे रहा होगा। यह दोस्तों जो शटल होता है, मैन पार्ट्स होता है बहुत ही मशीन का। अगर आपकी मशीन आवाज़ करने लगती है, धागा काटने लगती है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें जो होता है हमारा ऑयल रहता है, ये आपको रॉड दिख रहा होगा, इस रॉड के अंदर से हमारी शटल में आता है ऑयल। और जब हमारी मशीन पुरानी हो जाती है तो वो ऑयल आना बंद हो जाता है, कार्बन जम जाता है, कचरा जम जाते हैं, धागे वगैरह, तो बहुत ही महीन सा छेद होता है दोस्तों, जो लाइन होता है उसकी, उससे जो है ऑयल आना बंद हो जाता है। तो अभी इस मशीन में हम चेक कर रहे हैं दोस्तों, इसमें ऑयल बिल्कुल ना के बराबर आ रहा है, मतलब कि आ ही नहीं रहा है। तो इसमें दोस्तों आवाज़ भी आ रही है और ये मशीन थोड़ा थोड़ा धागा भी काट रही है। चेक करने के लिए दोस्तों, आप ऐसे एक सादा कागज़ लगा लेंगे और मशीन को आप फुल स्पीड में चलाएँगे 1 से 2 मिनट। आप देख रहे होंगे दोस्तों, कागज़ में बहुत हल्का सा गीलापन है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, इसमें ऑयल तेज आने लगा, स्पीड से आने लगे, इसके लिए हमको क्या करना है? तो दोस्तों, इसको मशीन को हम पहले पलट के आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने मशीन को लिटा दिया है, LR7 कोड आपको दिख रहा होगा। ये हमारा सारा सिस्टम होता है ऑयल का, पंप का, यहाँ पर आपको रॉड दिख रहे होंगे। यह दोस्तों लगा है हमारा एक रेड कलर का बोल्ट। ये दोस्तों जो स्क्रू है, बस यही दोस्तों मेन स्क्रू होता है हमारे शटल में ऑयल के लिए काम करने के लिए। आप सोचते होंगे पता नहीं इसका क्या यूज़ है, मैं आपको बताता हूँ। यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है हमारी मशीन का। इसमें आपको प्लस और माइनस का निशान दिख रहा होगा, नीचे एक तीर बना होता है इसको घुमाने के लिए। तो दोस्तों, इसको आप जब प्लस की तरफ घुमाएंगे यहाँ को, तो दोस्तों हमारी शटल में ऑयल और भी तेज़ी से जाने लगेगा, और जब माइनस की तरफ घुमाएंगे तो ऑयल जाना थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये हमारी शटल में जो ऑयल जाता है उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है, कितना ऑयल देना है, कितना नहीं देना है। कंपनी से दोस्तों एकदम परफेक्ट सेटिंग होकर आती है, नई मशीन में फिक्स्ड ऑयल निकलता है। पर दोस्तों, मशीन जब 2 से 4 साल पुरानी हो जाती है, कूड़ा कचरा जम जाता है, तो दोस्तों ऑयल जाना बंद हो जाता है या धीमा हो जाता है। शटल के अंदर दोस्तों जो रॉड होता है, रॉड में एक दोस्तों बाल भी होता है, इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, आप उसको भी देख के नॉलेज ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम इसमें ऑयल नहीं आ रहा है, तो इसके जो ये स्क्रू है, इसको हम दोस्तों पहले तो आपको दिखाते हैं घुमा के। इसको दोस्तों आपको इस तरह से टाइट करना है, जैसे कि स्क्रू को टाइट किया जाता है बोल्ट को, प्लस की तरफ आप घुमाते जाएंगे। और आपको दोस्तों हर मशीन में हो सकता कुछ अलग सेटिंग हो, किसी में कम किसी में ज़्यादा, उस पर डिपेंड करता है कितना उसमें पुरानी है या कचड़ा है। तो मैंने इसको अभी इतना घुमाया है और मैं चेक करूँगा ऑयल की स्पीड कितनी बढ़ी। यह दोस्तों बहुत ही सीक्रेट सेटिंग होती है, हर कोई नहीं जानता है, सीधा मैकेनिक को देखता है कि मैकेनिक आ जाए तो चेक कर दे, छोटे मोटे काम में आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब दोस्तों, हमने ये कागज़ लगाया है, और अब दोस्तों हम चेक करेंगे ऑयल की स्पीड हमारी कुछ बढ़ी है। हाँ दोस्तों, देख सकते हैं आप, 1 मिनट, यह देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा ऑयल आपको अब दिख रहा होगा। तो इसमें दोस्तों जो ऑयल है हमारा, तेल है, अब हमारा स्पीड से आने लगा है, क्योंकि हमने जो रेड स्क्रू था उसको टाइट कर दिया था। फुल स्पीड में हमने मशीन को चलाया, देखिए कितना ऑयल आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों, अभी मैंने फुल स्पीड में कुछ देर चलाया है, कपड़े में हमको इतना ज़्यादा चलाना नहीं होता है, तो एकदम मीडियम ऑयल हमको मिलेगा। और आप देख रहे होंगे शटल दोस्तों, शटल में आपको शाइनिंग दिख रही होगी, हल्का सा गीलापन, यानी कि हमारा ऑयल दोस्तों इसमें स्पीड से आना शुरू हो गया है। अगर रेड स्क्रू कम या ज़्यादा करने के बाद भी यहाँ पर कोई अंतर नहीं आता शटल में ऑयल का, तो आपको एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको देख सकते हैं, आई बटन में मिल जाएगा, उसमें मैंने इसका शटल को खोल के, इसके अंदर एक बाल होता है उसको निकाल के पूरा फुल इन्फॉर्मेशन दिया है। वो भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आप उसको चेक कर लेंगे, देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो यह दोस्तों हमारा जो रेड स्क्रू होता है, ये बहुत ही काम का होता है, सेटिंग आपको मैंने बता दी, आपने देख ली है। और दोस्तों, अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है इस मशीन से जुड़ा हुआ, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, यह मशीन करीब 4 साल पुरानी है, काफ़ी अच्छी मशीन है, एक और नई मशीन लेना भी है, इसलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आने वाले नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।